देखिए, इस बिरयानी के लिए जो मेन तैयारी हमें करना है वो ये है कि ये है मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट 1 कटोरी है, और ये 2 प्याज थी जिसको मैंने तल लिया है, और ये चिकन है आधा किलो से ज़्यादा है, ये थोड़ा ज़्यादा है, और ये बोनलेस चिकन है। अभी मैं इसके छोटे छोटे पीस करने जा रही हूँ। इसके अलावा हमें बाकी कुछ नहीं पीसना है। हाँ, बहुत ख़ास मसाले इसमें डालेंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बन जाएगा, और जिस तरह से हम बिरयानी बनाते हैं ना उससे बहुत ही अलग बनेगी और बहुत ही अच्छी। तो चलिए बनाइए। देखिए, इस तरह से छोटा छोटा करना है क्योंकि अभी हमें इसे पीसना है, तो अगर हम बड़ा ही पीस रखेंगे तो सही से पीस नहीं पाएगा। देखिए, सारे चिकन को मैंने काट लिया है। चलिए, अब इसे पीस लेते हैं। अभी आधा डाल के पीसेंगे, आधा बाद में। ये देखिए, मैंने इसे पीस लिया है। तो अब मैंने इसे निकाल लिया एक तसले में। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर इसमें डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकती हैं, कम या ज़्यादा कर सकती हैं। 1/2 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ही डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे चाट मसाला, 1 चम्मच इसमें डालेंगे कुटा हुआ जीरा, भुना हुआ था ये जीरा, नमक स्वाद अनुसार, और डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच। अब जो प्याज मैंने तली थी उसमें से आधी ले लिया, जिसको हाथों से मैश कर लिया है, वो प्याज इसमें डाल देंगे। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। ये 2 हरी मिर्चों को मैंने बारीक काट लिया था, वो इसमें डालेंगे, और इसमें डाल देंगे 1 नींबू का रस। देखिए, बीज भी अभी गिर गए तो इसे निकाल लेंगे। और इसमें डाल देंगे 1/2 कप बेसन, भुना हुआ ये बेसन है। अब देखिए, इसे हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए, इसे मिक्स करके इस तरह से कर लेंगे, बीच में एक जगह बना लेंगे। देखिए, अब इसके बीच में रखेंगे एक कटोरी, तरह से रख देंगे। अब इसमें रख देंगे कोयला, इस पर डालेंगे थोड़ा सा घी, और बस फौरन ढक देंगे इसे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, अब इसे खोल लेते हैं। अब इस कटोरी को भी निकाल लेंगे, एक बार हाथों से इसे और मिक्स कर लेंगे। अब हाथों पे लगा लेंगे थोड़ा सा ऑयल। देखिए, अब आप हाथ से बनाना चाहती है तो हाथ से बना लीजिए, वह इस तरह से दबाते हुए। देखिए, इस तरह से उंगलियों से दबाते हुए करिएगा। अब साइज जो है वो आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा भी रख सकती हैं। थोड़ा थोड़ा सा इसी तरह से लेते जाएंगे और बनाते जाएंगे। इस तरह से दबाते हुए बनाइएगा। देखिए, इसी तरह से सारे बना लेंगे। ये देखिए, देखिए गैस पे एक तवा चढ़ाएंगे, उसमें तेल डालेंगे। ये वही तेल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई करी थी। अब इसमें डाल देंगे कबाब। एक बार में इतने ही डालिएगा जो पलटने में आपको आसानी हो। देखिए, जब एक तरफ से सिक जाए तो इसे पलट लीजिएगा। देखिए, अच्छे से गोल्डन कलर आने तक हमें इसे पकाना है, और हर तरफ से सेक लेना है। और एक बात और याद रखिएगा कि इसे पूरी तरीके से नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा कच्चा रखना। क्यों? क्योंकि अभी हम इसे मसाले के साथ भी पकाएंगे। जो वाले गोल्डन हो गए उसे मैं निकाल लेती हूँ।
और बाकी के बनाते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे। देखिए इसे आप ऐसे भी खा सकती हैं। मसाला बनाने के लिए देखिए मैंने भगोने में लिया है 3 बड़े चम्मच तेल का। देखिए तेल हो चुका है तो इसमें डालेंगे 1 कटोरी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे गरम मसाला, मिक्स करेंगे इसे और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, 2 चम्मच डालेंगे बिरयानी मसाला, बिरयानी मसाला ना हो तो आप चिकन मसाला भी डाल सकती हैं, और डाल देंगे तली हुई प्याज जो बच गई थी, यानी कि आधी मैंने चिकन में डाल दी आधी इसके मसाले में, और इसमें डाल देंगे 1 कटोरी दही, इसे मिक्स कर लेते हैं। दही के प्याले में मैंने थोड़ा सा पानी डाला, वो पानी इसमें डाल देंगे और डाल देंगे ये सीख कबाब। अब इसे मिक्स करेंगे, हल्के हल्के हाथों से करिएगा वरना ये टूट भी सकते हैं। थोड़ी देर ढक्कन लगाकर इसे धीमी आंच पर पकाएंगे। चलिए देखते हैं, देखिए ये हो गया है, देखिए देखिए एक भगोने में पानी लेंगे, अब उसमें डालेंगे हरा धनिया, 7-8 हरी मिर्चें, थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ, 1 चम्मच डालेंगे जीरा, 2 डालेंगे इसमें तेज पत्ते, 4-5 छोटी इलायची, 4 पाई लौंगे और 1/2 चम्मच काली मिर्चें और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, और इसमें नमक डालेंगे। नमक डालते समय ये ध्यान रखिएगा कि नमक पानी से थोड़ा निकलता हुआ होना चाहिए, और 1/2 नींबू का रस डाल देंगे, इससे चावल जो है हमारे वो टूटेंगे नहीं। उधर देखिए मैंने पानी चढ़ाया है तो इधर ये मैंने लिए 6 कटोरी चावल और इसको भिगो दिया है। देखिए पानी होने लगा है तो इसमें चावल डाल देंगे। देखिए 1/2 मसाला मैंने निकाल लिया है, 1/2 इसी भगोने में है, तब इसके ऊपर डाल देंगे ये चावल। देखिए अच्छे से फैला लेंगे पूरे पर, फिर इसके ऊपर मसाला लगा देंगे यानी कि डाल देंगे। ये देखिए फिर से इसके ऊपर डाल देंगे ये चावल, थोड़े से दूध में हमने कलर डाला है तब इसे इसमें डालेंगे। पहले इस तरह से चम्मच से कर लीजिएगा फिर डालिएगा। ऊपर से इस पर डाल देंगे थोड़ी सी ताजी पुदीने की पत्तियां, हो तो डाल दिएगा नहीं हो तो मत डालिएगा। अब ढक्कन लगा देंगे और इसे धीमी आंच पर थोड़ी देर पकाएंगे। चलिए देखिए तैयार है ये, अब इसे हल्के हल्के हाथों से मिला लेंगे तरह से। तो वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा।